बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनीस इंजीनियरिंग की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद आज़म रज़ा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस मशीन का तारफ़ करवाने वाला हूँ वो फिलिंग मशीन है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसे फिलिंग मशीन कहते हैं। ये मुकम्मल स्टील बॉडी है। मैं आपको इसका मज़ीद जो फंक्शन है वो आपको सारे इसके फंक्शन भी बताता हूँ और इसकी वर्किंग भी बताता हूँ। और ये मुकम्मल SS 304 में तैयार हुई है। और इसके ऊपर ये जो हापर है इसकी कैपेसिटी 20 लीटर है, ठीक है। नीचे इसके आप चाहे कोई बोतल रख लें, चाहे कोई जार रख लें, किसी भी चीज़ में आपने अगर फिलिंग करनी है तो आप इसकी नोज़ल के नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसमें फिलिंग करेगी। आप इस मशीन को मैनुअल तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, सेमी ऑटो तरीके से, वो भी इसमें फंक्शन है। अगर आप इसको फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इसमें फंक्शन है। ये आपको इसके साथ पैनल नज़र आ रहा होगा, ये इसका टाइमर लगा हुआ है और ये इसका ये बटन है। इस बटन से आप इसको सेमी ऑटो और ऑटो पे कर सकते हैं। इस टाइमर पे आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसको ऑटो पे कर दें बटन को, और ये टाइमर पे आप अपनी टाइमिंग सेट कर दें कि आप इतने सेकंड के बाद इसके नीचे कोई बोतल या कोई जार करेंगे और ये उसमें ऑटोमेटिक फिलिंग कर देगी। आप जितने सेकंड की इसकी सेटिंग करेंगे उतने ही सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक फिलिंग कर देगी। तो नाज़रीन, ये इसका जैक लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके ऊपर आपको ये इसका ये नज़र आ रहा है, पैमाना भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप इसका वज़न कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर खोलता जाऊँगा तो इसकी पैमाइश जो है, इसका वज़न जो है ज़्यादा हो जाएगा, ML ज़्यादा होते रहेंगे। अगर आप इसको एक लीटर करना चाहें तो आप इसको यहाँ तक फुल कर सकते हैं, एक लीटर तक ये फिलिंग करेगी। नाज़रीन, ये जो निशानी लगी हुई है, ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है ये पैमाने के नीचे, अगर आप इसको ये वाली चूड़ी से ऐसे घुमाएंगे तो ये पट्टी जो है पीछे की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका वज़न जो आप फिलिंग करेंगे उसका वज़न बढ़ रहा है, यानी कि उसके ML ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप इसको चूड़ी को बंद करेंगे तो ये वज़न कम होता जाएगा, ठीक है। आप इसमें एक लीटर तक जो है फिलिंग कर सकते हैं। इस पैमाने को, ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है, इसको फुल पीछे करते जाएं, आपके जो फिलिंग होगी उसका वज़न बढ़ता जाएगा। वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से आप इसका प्रेशर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपको इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे कि प्रेशर आप कम करेंगे तो वो कैसे फीलिंग करेगी, और अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो उसकी फीलिंग कैसे होगी। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं, आपने फ़र्ज़ करें एक लीटर की बोतल में आपने फीलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा ताकि आपकी वर्किंग, आपकी प्रोडक्शन जल्दी हो सके। तो उसके लिए आप इससे इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका प्रेशर कम करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके साथ आपको ये एक कंप्रेसर चाहिए होता है, ठीक है। ये सोनट वाल लगा हुआ है, ये कंप्रेसर का पाइप आपने इस सोनट वाल से कनेक्ट कर देना है। और ये इसके दो फंक्शन हैं, एक ये पैनल लगा हुआ है जो बिजली से चलेगा, जिससे आपका ये सिस्टम जो है, ये मशीन ऑटो और सेमी ऑटो के तौर पर इस्तेमाल होगी। ये पैनल बिजली पर है और बाकी इसकी जो वर्किंग है वो ये कंप्रेसर के ज़रिए है, हवा के ज़रिए, ठीक है। हवा के ज़रिए इसका जैक जो है वो वर्किंग करता है और आपकी फीलिंग होती है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कंप्रेसर मशीन की प्राइस में शामिल नहीं होता। अगर आपके पास एक, दो या चार, दस मशीनें हैं तो आपको उस हिसाब से ये कंप्रेसर मार्केट से मिल जाता है। आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप इससे बड़ा कंप्रेसर इसकी टैंकी के हिसाब से, हवा के प्रेशर के हिसाब से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको अपनी मर्ज़ी से मार्केट से लेना होता है। नाज़रीन, मैं आपको मैनुअल तरीके से बताता चलूं कि मैनुअल तरीके से ये एक पाँव के पास ये स्विच पड़ा हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो ये मैनुअल फिलिंग करेगा, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तभी ये फिलिंग करेगी, ठीक है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो आपको ये फिर इसका सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इसको ऑटो कर दें और यहाँ इसका टाइम सेट कर दें तो ये ऑटोमेटिक फिलिंग करती रहेगी। आप कोई भी चीज़ इसके नीचे ऐसे करेंगे तो वो फिलिंग कर देगी बस, फिर आपको ये पाँव वाला बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, अब मैं आपको ये ऑटो पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बटन से मैंने इसको ऑटो पे कर दिया है। अब ये यहाँ से टाइमर जो है इसके ऊपर सेटिंग की हुई है, उतने सेकंड के बाद ऑटोमेटिक फिलिंग होती रहेगी। अब ये आपको पाँव वाला जो बटन है उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है।
तो नाज़रीन ये देखें, अभी पानी का प्रेशर जो है ये स्लो आ रहा है। अगर मैं इसका प्रेशर ज़्यादा करना चाहूँ तो ये जो वाल लगा हुआ है इसको मैं थोड़ा खोलूँगा और इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नाज़रीन अब मैं आपको मैनुअल तरीके से, सेमी ऑटो तरीके से ये बोतल की फिलिंग करके दिखाऊंगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका अब प्रेशर कैसा है। ये बोतल चूँकि बंद है इसलिए अगर इसका प्रेशर ज़्यादा भी होगा, पानी की फिलिंग का प्रेशर जो है वो ज़्यादा भी होगा तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने इस तरह के किसी ग्लास में या किसी जार में फिलिंग करनी है जिसका ये ऊपर से होल ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि पानी जो है वो बाहर ना गिरे, या कोई भी चीज़ जो है आप वो आप जो फिल करना चाह रहे हैं, कोई लिक्विड है, कोई ऑयल वगैरह, वो बाहर ना गिरे। तो मैं आपको इस बोतल में फिलिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने बोतल नीचे लगा दी और ये मेरे पाँव के पास ये बटन है, मैं अभी इसको प्रेस करूँगा। नाज़रीन ये 1.5 लीटर की बोतल है, मैंने इसमें लीटर की फिलिंग की है तो ये लीटर तक बहुत अच्छे तरीके से जो है फिलिंग करती है। आप इससे ज़्यादा की फिलिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे कम भी करना चाहें तो वो आपको मैंने पीछे इसका पैमाना दिखाया है, आपको वहाँ से जो है अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको ये मज़ीद जो है बोतल की फिलिंग करके दिखाता हूँ। नाज़रीन इस तरह आप एक तरफ खाली बोतलें रखते हैं और दूसरी तरफ आप अपनी भरी हुई बोतलें रखते जाए। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको ये 1.5 लीटर की बोतल में फिलिंग करके दिखाई है। उस टाइम इस मशीन की जो फिलिंग करने का प्रेशर था वो ज़्यादा था। अब मैं आपको ये डिस्पोजिबल ग्लास में फिलिंग करके दिखाऊंगा। इसका प्रेशर हमने अब थोड़ा सा कम किया है क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और अगर मैं प्रेशर से इसके अंदर फिलिंग करूँगा तो ये जो पानी जो मैं फिल कर रहा हूँ ये ऊपर से प्रेशर के जरिए बाहर गिरेगा। ये पानी है इसलिए इसके प्रेशर से ये पानी बाहर गिरेगा। अगर आप इसमें कोई थिक चीज़, कोई गाढ़ी चीज़ फिलिंग करेंगे तो वो अगर आपका प्रेशर ज़्यादा भी होगा तो वो बाहर नहीं गिरेगा। तो अभी मैंने आपको ये जो है फिलिंग करके दिखानी है कि हमने इसका प्रेशर स्लो किया है और ये जो है ग्लास में फिलिंग करके दिखाता हूँ। नाज़रीन ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये क्वांटिटी बिल्कुल बराबर फिलिंग कर रही है। नाज़रीन पहले मैंने आपको ये स्विच का इस्तेमाल करते हुए फिलिंग करके दिखाई है, अब मैं इसको साइड पे कर दूंगा और मैं यहाँ से इसको ऑटो पे कर देता हूँ और यहाँ मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ कि मैं कितने सेकंड के बाद एक ग्लास फिलिंग करके साइड पे रख सकता हूँ और दूसरा ग्लास उठा के इसके नीचे कर सकता हूँ। तो वो मैंने सेटिंग कर दी है, अब मैं इसको ऑटो पे करके दिखाता हूँ।
मैं बिल्कुल ईजी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी थोड़ी और स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं काम करने में बिल्कुल भी दुश्वारी महसूस नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल ईजी तरीके से ये गिलास दूसरी साइड पर भर के रख रहा हूँ और दूसरा गिलास जो है नीचे से उतार रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है नीचे ग्लास करने के लिए। आप भी इस हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से नादरी, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको इस मशीन की वर्किंग दिखा दी। अब एक और बात आपको बताता चलूं कि इसके जो ऊपर ये इसकी स्टोरेज टैंकी है ये तकरीबन 20 लीटर की है। अगर आप इससे बड़ी टैंकी आप लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप इसको खोल के, मैं आपको ये बताऊं कि हम ये वाल जो है एक साथ देते हैं, आप इस टैंकी को खोल के ये वाल ऊपर लगा के इसका कनेक्शन जो है इस तरह की, आप चाहे इसके जितनी बड़ी टैंकी है इससे छोटी टैंकी किसी भी टैंकी के साथ आप इसका कनेक्शन करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो है अपनी फिलिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसको ये चेंज करके ये वाल लगा के दिखाएंगे। ये टैंकी इसकी जो है बहुत ही आसान है इसके साथ कनेक्शन करना। ये देखिए नाज़रीन, अब ये वाल इसके साथ कनेक्शन कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसका पाइप लगा के आप किसी भी टैंकी के साथ, छोटी बड़ी टैंकी जो भी आपने इस्तेमाल करनी है उसके साथ इसका कनेक्शन कर दें और अपनी मशीन की फिलिंग कर लें। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।